दीपालपुर में शुक्रवार से विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं कथा मेला को श्रद्धालुओं के पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी के चलते गीता रामेश्वरम ट्रस्ट संस्था की ओर से शुद्ध आरओ पानी के प्याऊ लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को ठंडा और शीतल जल मिल सके। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा स्थल पर गीता रामेश्वरम संस्था राधेश्याम पटेल के नेतृत्व में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कथा में पहुंचने वाले यात्रियों के लिए शुद्ध आरओ पानी के प्याऊ और स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि तपती धूप में लोगों को शुद्ध जल मिल सके। इसके साथ ही यात्रियों के पहुंचने पर उनको व्यवस्थाओं की जानकारी देकर अव्यवस्था से बचाने का काम भी किया जाएगा। यहाँ पे जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी पूरे पूर्ण रूप से बड़े गांव में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसके पूर्ण रूप से सारी व्यवस्था हो चुकी है। और हम गीता रामेश्वरम ट्रस्ट की ओर से यहां पे आरओ जल का पूरा वितरण करेंगे पूरे कार्यक्रम में, और राधेश्याम जी पटेल जी के नेतृत्व में पूरी टीम यहां पे कार्यक्रम में उनके तरफ से लगी हुई है। जो भी सेवा बन पाएगी हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। आपको बता दें, प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ता है, जिसके चलते व्यवस्था गड़बड़ाने का खतरा बना रहता है। लेकिन अब की बार इसका समाधान करने का काम गीता रामेश्वरम संस्था ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, दीपालपुर।